गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इस पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, एडिशन की प्रॉपर्टीज, जो कि किसके अंदर पढ़ेंगे हम, इंटीजर्स के अंदर, कि जैसे होल नंबर्स के कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है, नेचुरल नंबर की एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसी तरह जो इंटीजर्स है उसकी भी कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है। तो हम मेनली इस वीडियो में बात करेंगे तीन प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली, कम्यूटेटिव। दूसरी, एसोसिएटिव। और थर्ड, एडिटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या स्टेट करती है कि यदि हमारे पास में दो इंटीजर्स हैं ए और बी, हम उन्हें अगर ऐड करें तो उनका सम जो है हमें किसके इक्वल मिलना चाहिए, बी प्लस ए के इक्वल। तो ये आइडेंटिटी हमें क्या बताती है, ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं बाय एग्जांपल। यदि हमारे पास में ए की वैल्यू है -3 और बी की वैल्यू है 8 और हमें कहा गया है कि आप इन्हें प्रूव करिए कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, बी की वैल्यू क्या है 8। हमारी प्रॉपर्टी हमें क्या स्टेट करती है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, एल एच एस। तो ए क्या है, माइनस, और बी क्या है 8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -3 + 8 = 5। सेम। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, बी की वैल्यू क्या है 8, ए की वैल्यू -3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 प्लस ब्रैकेट में -3। 8 प्लस एंड माइनस इज माइनस, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि दो साइन अगर अलग अलग हो और उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या मिलता है, माइनस। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा आंसर, 5। तो हमने देखा कि जो LHS है वो किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की है वो बिल्कुल सही है कि A प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमें कौन सी आइडेंटिटी बताती है, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं सेकेंड, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि यदि हमारे पास में तीन इंटीजर्स हैं तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये आइडेंटिटी हमें क्या बताती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। के हमारे पास में तीन इंटीजर्स हैं ए बी और सी, यदि हम बी और सी को पहले ऐड करें फिर उसमें ए ऐड कर दें तो भी वो ए प्लस बी को पहले ऐड करें फिर सी ऐड करें, दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इक्वल। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यदि हमें ए दिया गया है -3, बी दिया गया है 8 और सी दिया गया है -7, तो जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमें कहती है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट देन प्लस सी। तो हम बात करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या स्टेट करती है, ये। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है -3, बी की वैल्यू क्या है 8 और सी की वैल्यू क्या है -7। हम इसको इन वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो ए की जगह हम रखेंगे -3 देन प्लस बी इज 8 प्लस सी इज -7 देन वी गेट -3 प्लस 8 -7 -3 प्लस 1 देन इज इक्वल टू -2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, -2। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड हमें क्या स्टेट देती है, ए प्लस बी प्लस सी।
ये हमारी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। हम इसको सॉल्व करते हैं, ए की जगह हम रखेंगे माइनस थ्री, बी की जगह हम रखेंगे एट, देन प्लस सी वैल्यू इज माइनस सेवन। माइनस थ्री प्लस एट इज फाइव प्लस माइनस सेवन, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव प्लस माइनस इज माइनस, माइनस सेवन इक्वल टू माइनस टू। तो इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, माइनस टू मिल गई। तो हमने देखा कि जो RHS है वो माइनस टू है और जो LHS है वो भी क्या है, माइनस टू। तो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की इंटीजर्स की वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड और लास्ट आइडेंटिटी की, जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमें क्या स्टेट करती है कि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड कर दें तो हमें वापस वही नंबर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम माइनस फाइव में जीरो ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस फाइव वापिस मिल जाएगा। सेवन में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें सेवन वापिस मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एडिशन की इंटीजर्स के बारे में। के सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो क्या बताती है कि a प्लस बी हमेशा b प्लस a के इक्वल होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि पहले हम a प्लस b और c दोनों एक साथ ऐड करने के बाद में ऐसे ऐड करें, या a प्लस b पहले ऐड करके फिर उसमें तीसरा इंटीजर ऐड करें, तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें हमने देखा कि किसी भी नंबर में यदि अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वही नंबर वापस मिल जाएगा। थैंक यू।